इस वक्त हमारे साथ KKR की अनब्रेकेबल जोड़ी, वेलकम रिंकू एंड नितेश। एंड पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि दोस्ती एकदम यू नो इतनी स्ट्रांग, इतनी बॉन्डिंग ये हुई कैसे? पहले दिन तो बहुत झगड़ा हुआ था, मतलब जिस दिन मैंने पहली बार रिंकू को देखा था तो मुझे लगा था इससे ज्यादा हवाबाज कोई लड़का नहीं हो सकता, और मेरे को ये लग रहा था कि मेरी कभी लाइफ में इससे नहीं पटेगी। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो वही वाला सीन है। आपको हवाबाज नहीं, एक्चुअली टूर्नामेंट हो रहा था गोवा में, तो मैं जैसे बैटिंग करने गया इनके अगेंस्ट, तो मैंने पहली बॉल उड़ा दी, पहली बॉल पे आउट हो गया, तो उस वजह से भैया बोल रहे। और इस बार तैयारियां कुछ अलग टाइप के लिए लग रही है, रिंकू अगर देखें नीतीश की तो उसने वेट लॉस भी किया, ऐसा लग रहा है कि एकदम हार्डकोर डाइटिंग चल रही है। हाँ, काफी वेट लॉस किया, मतलब 7-8 kg लॉस किया है, डाइटिंग में चल रहे हैं काफी टाइम से, तो सब लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं भैया को, तो अच्छा लग रहा है भैया को भी सुनकर ये, तो काफी वेट लॉस किया भैया। तो एक साथ रहते हो, खाना भी तो एक साथ ही होती होगी, तो कभी डिस्टरबेंस आती है? बहुत डिस्टरबेंस आती है, सब खाता है ये, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, ये पूरा फिट है, सब कुछ है। इसके साथ साथ ये 4-5 बार रोटियां सुबह उठ के पराठे खाता है, मैं वहां पर 3 boiled egg खा रहा होता हूँ या 2 bread खा रहा होता हूँ, पराठे नहीं खाता मैं यार, सुनते कुछ नहीं खाता है, झूठ बोल रहा है, कैमरे पे फिट खाता है। एक जो बात इनकी एकदम आपको नापसंद है आपकी भैया की? दो है। नहीं 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 नापसंद नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते नापसंद, मतलब डर लगता है उस टाइम मुझे जब ये सो के उठते हैं, जब बहुत डर लगता है उठाने में दिक्कत होती है, ऐसे मैं ऐसे करके उठाता हूँ कि डांट न दे, और जब इनको भूख लग रही है उस टाइम दो टाइम में छेड़ता नहीं उनको, तो डर लगता है कि मार न दे मुझे, मैं थोड़ा क्रैंकी हो जाता हूँ अगर मेरी नींद पूरी ना हो, या फिर मुझे भूख लग रही है और खाना टाइम पे ना मिले, तो मैं थोड़ा क्रैंकी हो जाता हूँ, तो इसलिए उस वजह से मैं डरता हूँ, तो मैं इसलिए भैया उठ जा ऐसे उठाता हूँ। और आपको उनकी कौन सी बात एकदम नापसंद है या गुस्सा आती है एकदम? प्लेयर बहुत अच्छा है, फील्डर बहुत अच्छा है, बाकी ऑफ द फील्ड सब खराब है इसका। मतलब आप इससे दोस्ती तब कर सकते हो जब आपको पता है कि आप हर चीज इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसकी अच्छाई देखते हुए, उसकी इंसानियत देखते हुए आप उसके साथ रह सकते हो, तो आप रिंकू के साथ रह सकते हो, वरना आप रिंकू के साथ नहीं रह सकते। बहुत इरिटेटिंग है, एक बात को 5 बार पूछना, 5 बार बताने के बाद फिर 15 मिनट बाद 6ठी बार फिर पूछना, अच्छा भैया आपने ये बोला था ना, बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन इस साल आपको क्या लग रही है टीम की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, बल्लेबाजी गेंदबाजी? हमारे पास हर एक स्लॉट के लिए बैकअप है, और ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छी लग रही है। मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बैटिंग डोमिनेटिंग है कि बॉलिंग ओवरऑल 11 जो भी हम प्लेइंग 11, मतलब स्क्वाड अगर फुल स्क्वाड देखें तो मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल की बेस्ट स्क्वाड है। It's time for me to say goodbye, but don't forget that the live coverage of the game starts 2 p.m. onwards only on television on the Star Sports Network. And Nightclub is the perfect way to start your day on a KKR match day. And I hope that the Knights return to the winning ways. Yes. Well, until next time, this is Kaushik Varun signing off saying, Army KKR!